हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आप सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, फिर अपना जो है टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम जो करेंगे हिस्ट्री टेस्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? आप आ जाइए, फिर हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो आरजू, हेलो नरेश, थैंक यू अमित जी। हेलो अश्विनी, वेरी गुड इवनिंग प्रमिला, और हेलो नरेश। आई एम फाइन अश्विनी, आप बताइए आप कैसे हो? ओके फ्रेंड्स, ये बताइए 193rd क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके माध्यम लड़ा गया? फ्रेंड्स, आज से हमारी हाफ एन आवर की क्लास होगी, सो हम टाइम वेस्ट करें बिना बिल्कुल ही अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और बताइए, हेलो निशा, कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ऑप्शंस है मराठा अफगान, मराठा मुगल अफगान, मुगल अफगान, टीपू सुल्तान। आंसर कीजिए। ओके, हेलो अमरजीत, ओके इसका 193rd का जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। उसका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि मराठा अफगान। ठीक है, मराठा और अफगान के बीच में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। आंसर कीजिए, म्यूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। गुड, आंसर कीजिए सभी लोग। ओके, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, जहांगीर ने करवाया था म्यूर सिंहासन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। यस, बिल्कुल राइट अमरजीत जी। ओके, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी का रचयिता कौन है? आईने अकबरी का रचयिता कौन है? ऑप्शंस बाबर, अबुल फजल, रहीम, हुमायूं। प्रीतम जी बिल्कुल जूम हैं आप, ऐसा कीजिए आप थोड़ा सा वो अपना आईने अकबरी का जो रचयिता वो बताइए कौन है? बाबर, अबुल फजल, रहीम, हुमायूं। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, बिल्कुल सही आप लोगों का कमेंट जो है बी, अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, पुरंदर की संधि किनके बीच हुई?
पुरंदर की ट्रीटी और पुरंदर किनके बीच हुई? शिवाजी एवं राजा जय सिंह, शिवाजी एवं औरंगजेब, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, शेरशाह एवं हुमायूं। आंसर कीजिए 197 का। यस गुड। ओके गुड। इसका राइट आंसर है वो है ए शिवाजी एंड राजा जय सिंह। मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, शिवाजी बाजीराव द्वितीय। आंसर कीजिए मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे। ओके गुड। आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ए बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? यस गुड। ओके इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, ठीक है, पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली। अगला प्रश्न है हमारा, भारत आने वाले सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा। आंसर कीजिए 200 का। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? हेलो सोनू जी कैसे हो? यस इसका राइट आंसर है वो है डी वास्को डी गामा। सॉरी फ्रेंड्स, हेलो ब्रिजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वास्को डी गामा, नूनो डी कुना, अल्फांसो द अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आंसर कीजिए। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? हेलो स्टडी 24, मोहम्मद, राइट। ओके अश्विनी, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? डचों ने अपना पहला जो कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया? हेलो वीरेंद्र, पुलिकट, सूरत, मसूलीपट्टनम, चिनसुरा। आंसर कीजिए। हेलो रवि जी, ओके इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सी मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई में हुआ? डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? वोंडीवोज का युद्ध, बेदरा का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। ओके इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी बेदरा का युद्ध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ए 1600 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी के जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? यस बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये जो हरियाणा सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगी, बिकॉज आप सबको पता है कि जैसे कि जो हरियाणा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई घुमा फिराकर क्वेश्चन नहीं आते, और जैसे कि यूपीएससी में ऑप्शंस ए बी ऐसे सिलेक्ट करने की आती है, ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन बहुत कम आती है स्टेट सिविल सर्विस में। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको चाहिए, ताकि आप आगे की जो है फर्दर जितनी भी स्टैटिक जीके है वो पढ़ सके। अगर आपको बेसिक क्लियर होएगा तो आगे तभी आपके डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, आप ज़रूर, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी थॉमस रो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए के बदले बंगाल में निशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? आंसर कीजिए। ओके, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सी 1717। ठीक है, यस फारूक सियार ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? प्रीतम जी 205 का जो आंसर है वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, आपको मैं बाद में बता दूंगी क्योंकि वो लास्ट में चला गया क्वेश्चन। ठीक है, आप में जब ये लास्ट टाइम आएगा इस पे लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको वो आंसर भी बता दिया जाएगा। ओके, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? आंसर कीजिए 207 का। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डी सूरत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली? जॉब चर्नक, टॉम स्रो, विलियम हॉकिंस, वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता शहर वो किसने बसाया, बस इतना याद रखिए। ओके, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि जॉब चर्नक। ठीक है, जॉब चर्नक ने जो है कलकत्ता शहर की जो नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसिसो ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी, मद्रास। फ्रांस ने कहाँ अपनी फैक्ट्री लगाई? सोनू जी, इसका जॉब चर्नक था ए आंसर। ओके, यस वीरेंद्र जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वेरी गुड इवनिंग देव जी, काफ़ी दिनों बाद आए हो आप। ओके, यस सोनू जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं, वो है बी, यानी कि सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? मसाले, सूती वस्त्र, नील, अफीम। ओके,
इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ए यानी कि मसाले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मसाले में सबसे ज़्यादा अधिक रुचि थी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है, आंसर कीजिए इनमें से बताइए कौन सा है। आरजू जी उसका आंसर ए था मसाले। ओके नील में उन्होंने बाद में खेती करनी, नील की इंडिगो की खेती बाद में करना स्टार्ट किया था, बट स्टार्टिंग में वो जिस मोटिव से आए थे तो उस वो मोटिव उनका मसाले था, उसमें वो ट्रेड करना चाहते थे। ओके आंसर कीजिए 211 का यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डी, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर डेन। ठीक है डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, इवन कि ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, सो आप ये याद कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 212 का, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है वो है बी यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, आंसर कीजिए पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसिसो द्वारा। ओके राइट आंसर है ए यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा यानी कि पुर्तगीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, मुंबई, कलकत्ता, सूरत, कानपुर, आंसर कीजिए फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। ओके इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सी यानी कि सूरत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, आंसर कीजिए। हेलो विकास प्लासी का युद्ध कब हुआ, आंसर कीजिए। ओके गुड इसका राइट आंसर है वो है ए यानी कि 1757 1757 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, आंसर कीजिए। सॉरी फ्रेंड्स बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी 1764 ईस्वी में। ओके बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया था, वास्को डिगामा भारत कब आया था, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया,
गुड, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अंग्रेज व फ्रांसीसी। अंग्रेजों और फ्रांसीसों के यानी कि फ्रांस के बीच में जो है कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये डाउट था किसका था, 205 क्वेश्चन का। प्रीतम जी आपका शायद आपका डाउट था ये, ब्रिटेन के साम्राज्य जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था। ये एक बच्चे का डाउट था, उसका जो आंसर था वो बी है, टॉम्स रो। ठीक है, ये एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, ठीक है मैंने बोला था बाद में बताऊंगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, ठीक है टॉम्स रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग। कोई बात नहीं प्रीतम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया। बताइए प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था वो किस किस के माध्यम लड़ा गया था। ऑप्शन है इसके, मीर जाफर एव अंग्रेज, मीर कासिम एव अंग्रेज, सिराजुद्दौला एव अंग्रेज, शुजाउद्दौला एव अंग्रेज। आंसर कीजिए। यस गुड, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है सी, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। अगला प्रश्न है हमारा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की, मुंगेर, बक्सर, इलाहाबाद, पटना। यस गुड, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में जो हुई थी में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था। आंसर कीजिए, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक, ए एम बी दोनों ने। आंसर कीजिए। गुड, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डी, यानी कि ए एफ बी दोनों ने, यानी कि शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला दोनों ने जो है बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की। ऑप्शंस है वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्जली। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की। गुड, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग ने ही द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। गुड, राइट आंसर है वो है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, इम्पे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड रिपन, कैनिंग, हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निज़ाम, पेशवा, बाजीराव द्वितीय, अवध का नवाब, टीपू सुल्तान। आंसर कीजिए। ओके, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? वेरी गुड इवनिंग रुचि जी, यस आप लेट हो गए हो। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? आंसर कीजिए। ओके, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, यानी कि वोंडीवोश का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आंसर कीजिए। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंक। यस, बिल्कुल राइट आंसर है वो है डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शंस लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। यस सोनू जी, 1928 में तो आर्य समाज की जो स्थापना, सॉरी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और 1829 में जो है उसमें जो सती प्रथा है उसका अंत किया गया था। ओके, डॉक्ट्राइन डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यस रुचि जी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यही आंसर है इसका, बताइए। ओके, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 229 का वो देख लेते हैं, वो है सी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। यस प्रीतम जी, 1875 में आर्य समाज और 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। मेरे मुंह से पहले आर्य निकल गया था बट मैंने बाद में अपना चेंज कर लिया था, ब्रह्म समाज कहना था मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन करने हैं या फिर इतना ही काफी आज के लिए? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प नीति राज्यपाल सिद्धांत रुचि जी, उस टाइम जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही उस टाइम जो गवर्नर थे और उन्होंने राजा राम और राय के कहने पर जो सती प्रथा का अंत किया था। हड़प नीति राज्यपाल सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? सतारा, नागपुर, झांसी, मैसूर। ओके ओके रुचि जी, आप चेक कर सकते हो, नो इशू। ओके, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स 230 का वो है ए, सतारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को कल पता है मैंने टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दिया था, मैं सिर्फ जो है आपके लिए हाफ एन आवर की आपकी क्लास रखा करूँगी। ओके, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन है 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से, 1835 ईस्वी के मैकॉले मैन्यूट से, 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच से, 1882 ईस्वी के हंटर आयोग से। आंसर कीजिए 231 का।
यस, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, ठीक है, 1835 यानी कि 1835 ईस्वी के मैकोले मेन्यूट से। यस, हंटर आयोग भी एजुकेशन था, बिल्कुल राइट, वो डिस्पैच भी, ठीक है। हेलो सिकंदर जी, अब तो हमारी क्लास भी ख़त्म हो गया और आप अभी आ रहे हो। एनीवेज फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है, और 8:30 हो चुकी है, हमारी जो क्लास हुआ करेगी वो 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हुआ करेगी, ठीक है। ओके सोनू जी, बाय, ठीक है। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। हमारे जो क्लास है वो हाफ एन आवर की क्लास हुआ करेगी, 8 बजे से 8:30 बजे तक, ठीक है। बाकी आप लोग कल आ जाइएगा, 8 बजे हमारी फिर से क्लास होगी और कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चंस। ओके ओके अमरजीत जी, गुड नाइट, कल हम 8 बजे फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो आप सभी लोग आ जाइएगा। ओके ओके सोनू जी, वेलकम। यस सिकंदर जी, पहले 9:30 तक होती थी बट अभी थोड़ा टाइम चेंज कर दिया कल से ही मैंने, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी जो है 8 बजे से 8:30 बजे तक ही हुआ करेगी। थोड़ा मुझे, मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ इसलिए, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ ज़्यादा टाइम आप लोगों के लिए। सो मुश्किल से मैं आपके लिए जो है हाफ एन आवर बड़ी मुश्किल से निकाल रही हूँ और मैं ये क्लास मिस नहीं करना चाहती कभी भी, ठीक है। यस रुचि जी, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, आप वो नोट डाउन कर लीजिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओके, मैं आपको अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ। नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इस पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सोनू जी सपोर्ट करने के लिए। रुचि जी, आप ऐसा कीजिए, आप फिर जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इस नंबर पर आप मुझे कॉल मत कीजिए, ठीक है। इस नंबर पर सिर्फ मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, ये ऑफिशियल नंबर है हमारा और इस पर मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ ओनली। सो मेरा पर्सनल नंबर आपको मैं नहीं दे सकती अभी, बाद में मैं आपको बता दूँगी। ओके रुचि, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए रुचि जी, आप इस नंबर पर सर से बात कर सकते हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ओके, इस नंबर पर जीएस राय सर से बात कर सकते हो, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हो। ओके, और अगर चाहे तो सर से आप पूछ लीजिएगा, मेरा वो पर्सनल नंबर दे देंगे आपको, ठीक है। आप कॉल करके उनसे पूछ लीजिएगा कोई भी, ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको। ओके सोनू जी, गुड नाइट। रवि जी, गुड नाइट। कोई बात नहीं रुचि। फ्रेंड्स, किसी को कोई भी और डाउट हो? मुकेश जी, एग्ज़ाम अभी जो है दिसंबर तक होगा, नवंबर में नहीं हो सकता क्योंकि 31 जो है एसएस की डेट आई है अभी। और सर, आपको वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सर ने आपको बिल्कुल डाउट जो है आपके नैब तहसीलदार का और एससीएस का जो भी एग्ज़ाम पहले होगा वो सर ने बता दिया है, उसमें आपके डाउट क्लियर कर दिए। आप वो वीडियो देख लीजिएगा चैनल पर जाकर, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके मुकेश जी, ओके ओके मोहम्मद जी, हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। फिर ऐसा करते हैं, कल हम कोई और सब्जेक्ट ले आएंगे, नो इशू, मुझे तो हाफ एन आवर आपके लिए जो है
क्वेश्चंस लेकर आने हैं, आपको प्रैक्टिस करवाने हैं क्वेश्चंस की, मैं उठा लिया करूँगी कोई भी क्वेश्चंस। ओके ओके मोहम्मद जी, नो इशू, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी को कोई भी डाउट? यस मोहम्मद जी, मैंने आपको रिप्लाई किया है अभी, आप सुन लीजिए। मैंने बोला ठीक है जैसा आप बोल रहे हो मोहम्मद जी, मैं वैसा ही करूँगी। आई थिंक सो आपका नाम मोहम्मद ही है ना, कभी मैं नाम गलत लेती रहूँ और आप समझो ना। स्टडी 24, मैं ऐसा ही करूँगी जैसा आप लोग बोल रहे हो। वन डे ज्योग्राफी, वन डे जो है हिस्ट्री करेंगे हम, आज हमने हिस्ट्री की तो कल मैं आपके लिए पोल्ट्री ले आऊँगी, नो इशू, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको जैसा आप कहोगे मैं वैसे करवाती रहूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टडी 24, सॉरी मुझे लगा एक और स्टूडेंट आता है स्टडी से, नाम से मुझे लगा उनका नाम मोहम्मद है, सो आई एम रियली सॉरी संदीप जी। सो ओके संदीप जी, जैसा आपने बोला हम वैसे कर लेंगे, नो इशू। ओके फ्रेंड्स, अभी किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं लाइव स्ट्रीम ऑफ कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बता दीजिए किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं जो है नहीं, अगर आपको किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा तो फिर मैं लाइव स्ट्रीम ऑफ कर दूंगी। ओके ओके फ्रेंड्स, ठीक है। हमारी जो क्लास होती है वो डेली 8 बजे होती है। यस मोहम्मद खान, ज्योग्राफी कैसे होगा, मींस कब से होगा, क्या पूछ रहे हो आप? एनीवेज मैं आपको बता देती हूँ कि जो ज्योग्राफी है हमारा, कल हम पोल्ट्री करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पोल्ट्री के करेंगे और कुछ क्वेश्चन परसों हम ज्योग्राफी करेंगे, ठीक है। आपको ज्योग्राफी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जिन प्रैक्टिस सेट है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। सो स्टूडेंट ने बोला डेली रिपीट किया कीजिए आप, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन इकोनॉमी और एक दिन हिस्ट्री, ऐसे। ओके सो मोहम्मद आपसे मैं आपको बोल रही हूँ कि परसों हम ज्योग्राफी करेंगे, कल हम जो है पॉलिटी करेंगे। ओके यस मोहम्मद जी, ये संदीप ने बोला है, ठीक है, इसलिए हम जो है कल हम पॉलिटी करेंगे और परसों हम ज्योग्राफी करेंगे। आई थिंक सो आपका डाउट क्लियर हो चुका है मोहम्मद जी। मोहम्मद जी पीडीएफ लिंक अभी नहीं मैं आपको दूंगी, जब आपके एग्जाम्स आने की डेट स्टार्ट हो जाएगी, अगर जब ठीक है आप पास में होंगे तो आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अभी आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैं डेली आपको करवाती हूँ, और आपको जो है करंट अफेयर्स के डेली हम 10 क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको, वो आप देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी पीडीएफ आपको मिल सकती है, बट अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है अभी उनकी वीडियोस नहीं मिलेगी, उनकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, सॉरी, ये पीडीएफ जब एग्ज़ाम के पास में आप लोगों को दे दी जाएगी। ओके मनीष गौतम जी, हम डेली 1 आवर की क्लास होती थी, 1.5 आवर की या 1.5 घंटे की हमारी डेली क्लास होती थी, बट अभी आज से जो हमारी क्लास है वो 1.5 आवर की स्टार्ट की है, बिकॉज मेरा थोड़ा सा जो है शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए निकालना पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको थोड़े दिनों के लिए आपकी क्लास 1.5 घंटे की, फिर से आपकी जो क्लास है फिर 1 आवर की कर दी जाएगी, बट अभी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे लाइव लेक्चर्स जो पहले 1 घंटे के, 1.5 घंटे के, समटाइम्स 2 घंटे के भी हमारे लेक्चर्स हुए लाइव क्लासेस। सो अभी टाइम शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, इसलिए मुझे 1.5 आवर की करनी पड़ी। ओके ओके फ्रेंड्स, और किसी को कोई भी डाउट? मनीष जी आई थिंक सो आपका डाउट क्लियर हो चुका है, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिए।
फ्रेंड्स हमारी क्लास का जो टाइमिंग है वो डेली 8 बजे होगा, आप डेली 8 बजे आ जाए कीजिए, क्योंकि हमारी हाफ एन आवर की क्लास होती है, तो एक एक मिनट जो है काफ़ी जो है बेनिफिशियल होता है आपके लिए, क्योंकि एक मिनट में एक या दो क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। सो आप जल्दी 8 बजे ही ऑनलाइन आ जाइएगा। ओके यस मनीष जी, ओके फ्रेंड्स, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर मैं लाइव स्ट्रीम ऑफ कर देती हूँ। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आज के लिए हमारी क्लास इतनी थी, कल 8 बजे मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय फ्रेंड्स।